Assalamu alaikum friends, hope you are doing well today. As we are aware of that, Pakistan is struggling day by day. Pakistan din ba din niche ki taraf ja raha hai. Economy growth jo ke 7% honi chahiye thi, sirf 3% hai. Ab dusre agar hum dekhe to hamare paas bahut zyada security issues hai, jinme Balochistan issue, दहशतगर्दी के इशू जिस पर फ़ौज ने काफ़ी कंट्रोल किया है, लेकिन अब ये इशू कैसे आते हैं, उनका सबसे सॉलिड रीज़न है फॉरेन पॉलिसी। आज का हमारा टॉपिक भी फॉरेन पॉलिसी के ही बारे में है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या चीज़। ये एक ऐसी एक्टिविटी या ऐसी पॉलिसी है जिस पर हम दूसरे किसी भी स्टेट के साथ अच्छे रिलेशनशिप और इंट्रैक्शन बनाते हैं। ये पॉलिसीज मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए ही बनाता है, जिसमें ट्रेड आ जाता है, उसके बाद डिफेंस आ जाता है, इंटेलिजेंस भी इसी के अंदर ही लाया करता है, और सैंक्शंस मतलब डिसोबेंस ऑफ एनी लॉ और वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसमें ये आता है कि राइट ऑफ फ्रीडम एंड सोवरेनिटी, पाकिस्तान का हर बंदा आज़ादी का हक रखता है और ख़ुद मुख्तार है। अगली है कोऑर्डिनल रिलेशनशिप विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए और मुश्किल वक्त में उनको हिफाजत दे। अगली पॉलिसी है पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ का हिस्सा बनना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीटो सेंटो इनका हिस्सा बनना, पाकिस्तान इनका हिस्सा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मफाद के लिए। आगे आ जाती है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स का कोई हिस्सेदार हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग इसमें हिस्सा डालते हैं, जैसा कि अमेरिका इंटरफेरेंस करता है तालिबान के लिए। अगली पॉलिसी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्ममेंट। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वो मतलब कि एक न्यूक्लियर पावर को दूसरी तरफ मुंतकिल करना बग़ैर बताए। पाकिस्तान हमेशा पीस चाहता है और अगेंस्ट रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के। अब आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑन यूएन चार्टर। इसका मतलब कि पाकिस्तान हमेशा यूएन की पॉलिसीज़ पर अमल करता रहा भी है और रहेगा। यूएन की काफ़ी मदद की है पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में, पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी हैं यूएन की मदद के लिए, और ये एक प्रूफ है अच्छे ताल्लुक का। इसके बाद आता है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी जंग में किसी की मदद नहीं करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो को भी छोड़ दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी लिखी गई, मगर बदकिस्मती से वो पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पाई पाकिस्तान को। क्यों? इंटरफेरेंस की वजह से। हर किसी का इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर आता रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा कि हमारी कंट्रीज़ के चैलेंजेस क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ईओस।